अबा की करना? अच्छा ग्वाला अच्छा काफ कम यार स्टॉप। तो भाई ये देखो जो हेलमेट लेके आ रहा हूँ ना इनके, तो वहाँ से मेरे को रिप्लेसमेंट में नई वॉच मिली है, दिखाता हूँ आप लोगों को ठीक है। जैसी नहीं वैसी भरे। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ध्रुव भंडारी व्लॉग्स में। सो आप लोगों ने पिछला वीडियो एंजॉय किया होगा, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो मैं आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग करते हैं नई दिन की शुरुआत से। अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और हम लोगों का नाश्ता वगैरह खाना वगैरह सब हो चुका है और जल्दी से अब मैं रेडी हो जाता हूँ बिकॉज उसके बाद निकलते हैं हम अपने शूट पे। तो इतने दिन से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे घर जाना पड़ा, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। तो अब आप लोगों के लिए लाते रहूँगा मैं कंटिन्यू ब्लॉग, ठीक है? वैसे तो कहते रहता हूँ बट आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू ब्लॉग लाते रहूँगा। और आज का जो प्लान होने वाला है ना गाइस, कई तेज झम्मा होने वाला है, तो अभी जल्दी रेडी हो जाता हूँ, उसके गाइस को कॉल कर देता हूँ, वो भी एक्चुअली पे आ जाएंगे, तो उसके निकलते हैं। आप लोग बन रहे हैं ऐसी वीडियो के साथ। सो गाइस फाइनली निकल चुका हूँ मैं घर से और अभी टाइम हो चुका है आप लोगों का 10:30, तैयार व्यार होने में थोड़ा टाइम लग गया। और ये रही अपनी बेबी, तो इसको मैं घर लेके गया था, अच्छे से धुला रखी थी मैंने, हल्की फुल्की इसमें धूल लग गई है। और गाइस ये रहा दूसरा हेलमेट, इसको लेने में थोड़ा दिक्कत होती है और आज का मौसम देख सकते हैं आप लोग क्या यार क्या मस्त हो रखा है, हल्के हल्के क्लाउड भी है बट गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत हार्ड, ठीक है? तो अब जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपनी राइड पे। तो भाई लोगों मैं पहुंच चुका हूँ एक्चुअली पे, ठीक है? और वो देखो वहाँ पे ईशू बैठी है, होश ही नहीं है उस लड़की को कि मैं आया हूँ नहीं आया हूँ करके, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं मेरे को, वो देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे बैठे हैं वो। हेलो, तो भाई देख सकते हैं सुबह सुबह इन्होंने भांग पी रखी है शायद, ये होश ही नहीं है इनको, और मुँह देख सकते हैं इनका कैसा हो रखा है, ये स्टाइल देखो ना, बाप रे बाप रे, क्यों होशा आवाज नहीं थी, हॉर्न बजा रहा हूँ तो तभी कहता हूँ कम पिया करो। मैंने आपको कॉल की थी। तो कॉल करते समय इधर उधर भी तो देखना होता है, हॉर्न बजाए जा रहा हूँ उतना पागल जैसे, चलो चलते हैं। सो फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं हम एक्चुअली से और मैंने इशू को कर लिया है रिसीव, तो अब निकलते हैं अपने सूट की तरफ बिकॉज काफ़ी दिनों से व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाए हैं यार, क्योंकि ना गाइस थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ठीक है? तो उस वजह से मुझे घर जाना पड़ गया था, तो कुछ काम की वजह से मैं घर गया था, समथिंग 7 to 10 days लगे होंगे मेरे को। तो गाइस काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा किस वजह से मैं गया था करके। तो गाइस देखना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, ठीक है? तो जिस वजह से मैं गया था घर वो कंप्लीट हो चुका है पूरे, तो अब कोई दिक्कत नहीं है कि घर जाना है या ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब काम हो चुका है कम्प्लीट, अब निकल चुके हैं हम अपनी राइड पर और आज का मौसम चेक कर सकते हैं आप लोग, कहते ही झम्मू और गए, क्लाउड भी लगे पड़े और धूप भी है, तो उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है। तो कल रात मौसम हो रहा था बारिश जैसा बट बारिश नहीं हुई यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, अगर बारिश हुई होती तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाता। तो अभी जल्दी से पहले तो बाइक में फ्यूल अप करा लेते हैं बिकॉज बाइक में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, मैं घर से आते में डलवाया था मैंने 300 रुपये का, तो अभी मैं सोच रहा हूँ टैंकी फ़िलअप करा लेते हैं, क्योंकि टैंकी फ़िलअप करा लेंगे तो ना बार बार फ्यूल की दिक्कत नहीं रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ एक ही बार इसको अच्छे से फ़िलअप करा लेते हैं। तो जल्दी से जाते हैं पेट्रोल पंप में और अच्छे से बाइक को कर लेते हैं फिलअप करा लेते हैं, और उसके बाद निकलेंगे गाइस आज की जो राइड होने वाली है ना, अपनी राइड की तरफ निकलेंगे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम पेट्रोल पंप में और यहाँ से पहले टैंकी को फुल कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे अपनी राइड की तरफ। तो जल्दी से पहले टैंकी फुल करा लेते हैं। सो अभी मैंने बाइक फिलअप करा ली थी, तो मुझे लग रहा था पूरी टैंकी भरवाऊंगा तो समथिंग नहीं भी होगा 1100-1200 रुपये तक का जाएगा, बट इसमें जो फ्यूल गया है ना वो सिर्फ और सिर्फ 800 का गया है बिकॉज इस पर थोड़ा तेल पहले से भी था। तो अब टैंकी फिलअप करा ली है, अब एक आध हफ्ते तक कोई दिक्कत नहीं है फ्यूल बनाने की, तो एक आध हफ्ते तक आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं अब और चलते हैं राइड पर, ठीक है गाइस? तो और अपने भाई को ऐसे सपोर्ट और प्यार कीजिए। तो अभी इशू से पूछते हैं यार कहाँ को जाना है करके। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं चंडाक से नीचे वाली लेन की तरफ, तो उस साइड को तो हम गए थे, इस साइड को नहीं आए थे, और यहाँ से जो व्यू आ रहा था कहीं मस्त आ रहा है यार, मतलब ये विलेज एरिया है थोड़ा इस साइड को, और देख सकते हैं यार यहाँ का व्यू कितना तगड़ा आ रहा है ये। बट अभी मौसम ना बहुत ही गंदा हो गया था, ऐसा लग रहा था बारिश पड़ेगी करके, और ये चेक कर सकते हैं। तो गाइस जिस किसी को बकरी या बकरा ख़रीदना हो ना वो आ जाना इस साइड को, चंडाक से नीचे साइड को, ठीक है? ये मिल जाएंगे आपको सस्ते रेटों में। और सामने का व्यू देख सकते हैं यार कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस हमारा इरादा ये था ना, हम इस इंटेंशन से इधर को आ गए ना कि हमें यहाँ हिसालू या काफल मिल जाएंगे करके,
बट इस साइड को ना ही अभी तक हिसालू का पेड़ दिखा है हमें और ना ही हमें काफल का पेड़ दिखा है, ठीक है। तो अभी हम बस चलते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो कहीं पर अगर दिख जाएगा, क्योंकि काफल भी नहीं खा रखे हैं, मैंने तो खा रखी जम के, बिकॉज मैं घर गया था तो खूब खाए हैं, बट इन्होंने नहीं खाए, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ कुछ काफल वाफल या हिसालू वगैरह मिलते हैं तो। ये देख सकते हैं गाइस, वो ऊपर टॉप के एरिया से आ रखे हम नीचे, ये चेक करो, लुटा भी मारने आ गए थे। और ये आमा चला रहे हैं यहाँ पे, आमा से पूछते हैं यार, आमा क्या करना? अच्छा ग्वाला, अच्छा ये काफो पेड़ नहाता नहीं आई ने, अच्छा मलिन है, अच्छा हाँ मैं ही रुना पिथौरागढ़, तुम कहाँ रुचा? हाँ यहाँ कहाँ रुचा, यहाँ, अच्छा है हो, अच्छा यहाँ ही नाथन पे काफो पेड़ है, हम मलिन है इटनू पे, अच्छा ठीक छा माँ ठीक छे, हैं मलिन है ओ हरी वाइन काफ है वो, ठीक छा माँ ठीक छे, ध्यान धरो अपन। तो गाइस फाइनली यहाँ पे एक अम्मा मिली हमें, तो अम्मा से पूछा कि यहाँ पे काफल के पेड़ है नहीं है करके, बट वो बता रहे थे ऊपर साइड को है करके, अब जाके आते हैं यार, अगर काफल मिल के मिलते हैं तो खा के आते थोड़ा बहुत, और थोड़ा ये इशू ले जाएंगे अपने घर को, बिकॉज जी मेरे से कहते काफल 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 खाना है कहते थे, मैंने कहा चलो आज काफल के पेड़ में लेके चलता हूँ आपको, वहाँ से जितने काफल खाने खा लेना, यहाँ को तो रोटी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे आगे थे हम, और ये देख सकते हैं यहाँ से रास्ता ही नहीं आगे को यार, ये तो कई बड़ा वाला पोपट हो गया हमारे साथ, इससे आगे को रोड ही नहीं है। हाँ एक बार बोल दो, खाना खाने जाते हैं। तो ये सामने उस घर में शादी है और ये कह रहे हैं कि खाना खा के आते हैं करके, अरे मैं खिला दूंगा यार खाना, पत्थर है क्या? तो ये कितना बड़ा टामा हो गया हमारे साथ, देख रहे हो यहाँ से आगे को रोड ही नहीं है, जंगल ही जंगल है, शायद ऊपर साइड को होंगे काफल होंगे तो, बट मेरे को तो नहीं लग रहा है इस साइड को काफल के पेड़ भी होंगे, कम यार स्टॉप। तो भाई ये देखो जो ये हेलमेट लेके आ रहा हूँ ना इनके लिए मैं, लग कैसे रहे हो यार तुम, ये हेलमेट सही लग रहा है तुम पे, अभी रील भी तो बनानी हुई है ये नहीं वैसी भरनी, हाँ ये तो सही कह रहे हो यार, सो गाइस कभी कभी इनको दौरे पड़ते हैं, मतलब ये अपने आप को सिंगर समझ बैठते हैं, बट इनकी जो वॉइस है ना बहुत ही बेसुरी है, सुनना भी मत आप लोग, बेसुर इंसान, चलें चलो फिर। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं चंडाक से मार्केट की तरफ, बिकॉज अभी वरदानी भी पॉइंट से नीचे का आ गए हैं, तो अपना भी शूट वगैरह हो गया था, ठीक है। तो ईशु ने भी अपनी रील्स वगैरह बना ली थी और मैंने भी कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा ली थी, तो अभी मार्केट जाना है, बिकॉज जो मेरी वॉच थी ना तो वारंटी में थी वो, तो अभी वो लेनी है मैंने वहाँ से, क्योंकि वारंटी में भिजवाई थी, उसमें उसका जो टेस्ट था ना वो काम नहीं कर रहा था, तो अभी जाते हैं शॉप पे, बिकॉज वॉच भी लेनी है और इसमें भी कुछ सामान लेना है शायद घर के लिए, तो जल्दी से पहले वॉच वगैरह ले लेते हैं उसके बाद निकलेंगे, और अभी टाइम भी हो चुका है आप लोगों का, 1:30 बज चुका है। और ये रहा उल्का माता जी का मंदिर, तो कभी फुर्सत से इस मंदिर में भी जाएंगे यार, अभी तक गया नहीं हूँ मैं, तो यहाँ भी जाके आएंगे, पहले मार्केट जाके वॉच ले लेते हैं उसके बाद निकलेंगे यार गाइस घर को, बिकॉज 1:30 बज चुका है, घर मतलब मार्केट में अभी सामान वामान लेने में और वॉच वॉच लेने में 2:00 बज ही जाना है। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहा, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही थी ना, मैंने 2 महीने भी नहीं पहनी होगी अच्छे से, वो उसकी टच में दिक्कत हो रही थी, तो वारंटी में थी वो, मैंने शॉप पे दे दी थी, उन्होंने वारंटी थी तो भिजवा रही थी सर्विस सेंटर में, तो अभी पता करके आते हैं। तो गाइस यही शॉप रही और यहीं दी थी मैंने अपनी वॉच, सो गाइज फाइनली मार्केट से हम आ चुके हैं, जो मैंने वॉच दी थी ना गाइज वो वहाँ से रिप्लेसमेंट में आ गई थी, मतलब न्यू वॉच आ गई, बिकॉज उसकी डिस्प्ले काम नहीं कर रही थी, तो उस वजह से वहाँ से रिप्लेसमेंट होगी, मेरी न्यू वॉच आ चुकी है, तो अभी आप लोगों को मैं घर जाके दिखाता हूँ, ठीक है। और अभी टाइम हो चुका है आप लोगों का, 3 बजने वाला है, और 3 बजे करीब हम पहुँच रहे हैं अभी घर, मॉर्निंग गए थे हम समथिंग 10-11 बजे करीब, तो अब पहुँच चुके हैं एक्चुअली पे, तो पहले इशू को कर देते हैं यहाँ पे ड्रॉप, उसके बाद हम भी निकलेंगे घर को। हाँ लाओ दे दो,
तो आज तो तुमने खर्चा कर दिया। फिर चले, फिर फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं घर पे, और घर पहुँचते पहुँचते आप लोग का 30 बज गया है। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में, ठीक है। सो गाइस फाइनली अभी शाम के बज चुके हैं 6, और मेरी कमर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इस वजह से मैं सो गया था, मतलब जस्ट उठ रहा हूँ। और मैं आप लोग को बता रहा था ना कि जो मैंने रिप्लेसमेंट में अपनी वॉच दे रखी थी वारंटी में, तो वहाँ से मेरे को रिप्लेसमेंट में नई वॉच मिली है, दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस ये रही वॉच, ये फायर बोल्ट फाल्कन की है, बट जो मेरी पहले वाली थी वो थी फायर बोल्ट जैगुआर की। तो इसी के लिए गया था मैं शॉप पे। गाइस ये रही वॉच, ये तो पहले वाली जो मेरी वॉच थी ना वो पूरी ब्लैक कलर की थी, बट रिप्लेसमेंट करके ये वाली वॉच दी थी मेरे को। बट ये रही गाइस वॉच, तो पता नहीं क्या हुआ, डिस्प्ले काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से मुझे वारंटी थी, एक 1 ईयर की वारंटी थी, तो इस वजह से मैंने रिप्लेसमेंट करवा दिया था। तो रिप्लेसमेंट करके मुझे नई वाली वॉच मिल गई, और पुरानी वाली वॉच पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, बाकी सही है, मस्त है एकदम वॉच। अगर इसमें कुछ होगा फिर 1 ईयर की वारंटी होगी, फिर दे देंगे वहीं शॉप पर। तो गाइस अब खाना वाना देखते हैं, खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं दीदी लोग, अब देखते हैं क्या क्या बन रहा है, थोड़ी हेल्प कर देते दीदी लोगों के साथ। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़े देर में, आप लोग बने रहे ऐसे वीडियो के साथ। सो फाइनली रात के बज चुके हैं 10, और हम लोगों का डिनर वगैरह हो चुका है, तो अब करते हैं सोने की तैयारी, बिकॉज मुझे इस ब्लॉग की करनी है एडिटिंग। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और आप लोग बताना कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो मेरी न्यू वीडियो आती रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। और जो लोग चैनल पर नए लोग जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द एक दासू वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग,